बिल्ली शहजादी। एक वक्त का किस्सा है, एक छोटे से गांव में डोरोथी नाम की एक दयानतदार और रहमदिल लड़की रहती थी, जो एक बहुत ही बदमिजाज खातून मिसेस बेट्सी के लिए काम करती थी, जिसकी एक बेटी थी जिसका नाम था टेस्सी। वो और भी ज्यादा बदमिजाज थी। डोरोथी, जल्दी खाना पकाओ, जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। मेरी बेचारी टेसी भूख से मर रही है। हाँ मालकिन। ये इतना बदमजा खाना पकाया है तुमने। डोरोथी, अगली बार हम पर रहम करो, कुछ ऐसा पकाओ जो खाने के काबिल हो, समझी? हाँ मालकिन। डोरोथी, अभी तक तुमने कपड़े नहीं धोए, जल्दी करो लड़की। हाँ मालकिन। डोरोथी की जिंदगी बहुत ही दुख और तकलीफ से भरी थी, क्योंकि उसे हमेशा लगा कि उसके किए काम की तारीफ नहीं होती। दादी माँ, मैं आ गई। डोरोथी अपनी बूढ़ी दादी अम्मा के साथ रहती थी और वो अपनी पूरी कमाई उन्हें आराम पहुंचाने और खुश रखने में लगा देती। आड़ू, मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत बहुत शुक्रिया लाडो। एक शाम एक खास बालों वाली मेहमान उनके घर में घुसी। ये एक बहुत ही खूबसूरत पर्शियन बिल्ली थी, जो बहुत ही नजाकत से उनकी बैठक में घूम रही थी। एक बिल्ली? ओ अम्मी, क्या हम इसे पाल सकते हैं? नहीं, मेहरबानी कीजिए, मेहरबानी कीजिए अम्मी, प्लीज। ठीक है, लेकिन मैं इसकी देखभाल हरगिज नहीं करने वाली। कोई बात नहीं डोरोथी, बिल्ली के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। पर डोरोथी बिल्ली की तरफ देखने में मशगूल थी, क्योंकि उसने इसे एक बिल्ली की शक्ल में ही नहीं देखा, पर एक शहजादी की शक्ल में देखा, जो बहुत ही शानदार कपड़े पहने थी। क्या मैं दीवानी हो गई हूँ? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? यहाँ मैं एक बहुत ही खूबसूरत शहजादी देख रही हूँ और उन्हें नजर आ रही है एक बिल्ली। डोरोथी, बिल्ली के लिए खाना। अब हाँ टेसी। डोरोथी वापस आई क्रीम से भरा एक कटोरा लेकर। कितनी देर लगा दी। ये लो किटी। शायद इसे कुछ और चाहिए। उन्होंने बिल्ली को कई लजीज पकवान देने की कोशिश की, पर उसने उन सबको खाने से इनकार कर दिया। छोड़ दो उसे, बिल्लियों के बहुत नखरे होते हैं, जब इसका जी चाहेगा तब खा लेगी ये। चलो डिनर करें। डोरोथी, टेबल लगा दो जल्दी। मिसेस बेट्सी। डोरोथी जाकर देखने लगी कि आवाज कहां से आ रही है और देखा कि शहजादी गा रही है। लाडीडा, तुम मुझे देख सकती हो, मुझे इल्म था। मैं देख सकती हूँ, पर उन्हें एक बिल्ली नजर आती है, मेरा मतलब है ये कैसे हो रहा है? लगता है तुम एक नेक इंसान हो, साथ ही क्योंकि तुम मुझे देख सकती हो इसका मतलब है कि तुम्हारा दिल नेक है। एक बात बताऊं, मैं तुम पर भरोसा करूंगी। ओह बहुत खूब, फिर मैं वो पहला इंसान होंगी जिसने एक बिल्ली का भरोसा जीता हो। अब माफ करना, ये बहुत ही भद्दा मजाक था। हाँ बिल्कुल, यकीनन था। शायद वो मेरे भाई पर डाला हुआ तिलस्म भी तोड़ सके। माफ करना। हाँ, वाकफियत का वक्त आ गया है, पहले मैं शुरू करती हूँ। जाहिर है मेरा नाम है माया,
मैं एक शहजादी हूँ जो तुम मेरे शाही अंदाज से यकीनन बता सकती हो, और मैं फिर भी एक बिल्ली का भेस बदल कर घूम रही हूँ। जाहिर है, क्या करूँ? जरूर, मैं एक बिल्ली के भेस में क्यों घूम रही हूँ? सीधी सी बात है, मैं अपने खोए हुए भाई को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, जिस पर एक खौफनाक तिलिस्म तारी है, जिसे उसने माल्टीज बिल्ला बना दिया है। बस यही वजह है। हाँ, बहुत सीधी सी बात है। दरअसल मुझे खुद ही समझ लेना चाहिए था सब कुछ। माफ करना, अब उम्मीद करती हूँ आपका भाई ठीक होगा। मेरा बिलाव एहसास मुझे बताता है कि वो ठीक है, पर एक बिल्ली बने रहना खतरनाक हो सकता है। सभी इंसान रहमदिल नहीं होते। आप एक सवाल है शहजादी साहिबा। तुम मुझे कह सकती हो प्रिंसेस माया। आप शहजादी माया? क्या आप अभी भी एक शहजादी हैं? आप क्यों अपने पहरेदार और फौज का इस्तेमाल नहीं करती और अपने भाई को नहीं ढूंढती? देख रही हूँ तुम्हारा दिल बहुत बेचैन है। खैर, तुम्हारे सवाल का जवाब देने के लिए मैं छुप गई, क्योंकि मेरे चाचा जान बहुत ही गलीज इंसान हैं, जिसने मेरे वालिद के बाद तख्त पर कब्जा कर लिया है, जो मुझे और मेरे भाई को हासिल होना चाहिए था। मेरे ख्याल से इस तिलस्म के पीछे उसी का हाथ है जिसने मेरे भाई को एक बिल्ली बना दिया। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं छुप कर निकल आऊँ, अपने बलबूते पर भाई की तलाश करूँ और लोगों का ध्यान ना खींचूँ। सीधी सी बात है। बात और सीधी होती जा रही है। हाँ, मैं जानती हूँ, मेरे बारे में तो काफी हो गया। मुझे बताओ डोरथी, तुम यहाँ क्यों काम करती हो इन लोगों का इतना बुरा सुलूक बर्दाश्त करते हुए? खैर, वो ये है कि डोरथी ने उसे सब बता दिया कि कैसे वो अपनी दादी अम्मा को एक आरामदेह जिंदगी देना चाहती है और इसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी। बस इतना ही? एक बात बताऊं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बस इतना ही? तुम नहीं जानती कि यहाँ मुलाजमत हासिल करना कितना दुश्वार है। हम देख लेंगे, पर इसके एवज में तुम भी मेरी मदद करोगी। मैं कोशिश करूंगी। क्योंकि तुम मुझे देख सकती हो, तो मेरे ख्याल से तुम मेरे भाई को भी देख सकोगी। ये मेरा सोचना है। एक मर्तबा मैं उसे ढूंढ लूं, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, तुम्हें मेरे साथ आना होगा उसके इस तिलिस्म को तोड़ने के लिए। सौदा पक्का? उम्दा, मेरे पीछे आओ। और रात में वो बाहर निकल पड़ी ठंडी हवा में। ये सोने के सिक्के ले लो, इन्हें अपनी दादी अम्मा को दे दो। अब तुम्हें उस जालिम खातून के लिए और काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या? यकीनन? हाँ, ये सोना हमेशा के लिए कायम नहीं रहेगा। हमें तुम्हारे मसले का एक पक्का हल चाहिए। चलो तुम्हारे घर चलें। वो दोनों फौरन ही डोरोथी के छोटे से घर में पहुँच गए और अब तक सूरज निकल चुका था। मैं बाहर इंतजार करूंगी। मैं नहीं चाहती तुम्हारी दादी अम्मा तुम्हें मुझसे बात करते देखकर तुम्हें दीवानी समझें। ठीक है, पर तुम मेरे कमरे में छुपकर अंदर जा सकती हो उस खिड़की से, और मैं तुम्हें वहाँ मिलूंगी। ठीक है। दादी अम्मा, दादी अम्मा, देखो मेरे पास क्या है। ओह, क्या? ओह लाडो, ये तुम्हें कैसे मिले? पर ये किस्मत का करिश्मा था। दादी अम्मा, अब हम बहुत बेहतरीन जिंदगी जी सकेंगे। उस दिन जब सूरज निकला और अपने पूरे शबाब पर चमक रहा था, शहजादी ने डोरोथी से बात की। डोरोथी, ये क्या है? क्या तुम सिलाई करना जानती हो? बेशक, मुझे डिजाइनिंग और सिलाई करना बहुत पसंद है, ये मेरा शौक है। लाजवाब। इनमें से
कोई भी कपड़ा चुन लो डोरथी। वो वाले उम्दा। अब अपनी आंखें बंद करो और उस एक बात का तसव्वुर करो जो तुम्हें मसर्रत देती हो। करो। डोरथी ने अपनी आंखें बंद की और सोचा एक बहुत ही खूबसूरत चमकते हुए परिंदे की बाबत जो उड़ान भर रहा था। वो मुस्कुराई और अपनी आंखें खोली। मैंने सोचा मुझे तुम मत बताओ, बस अपने खुशनुमा ख्याल अपने डिजाइन में डाल दो। और यही डोरथी ने किया। कुछ ही दिनों में उसने इतने शानदार ड्रेसेस सी लिए कि वो खुद भी इस पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि ये उसने सिए हैं। अब हमें उन्हें बेचना होगा। इस तरह वो बाजार गईं, जहां लोगों ने उन दिलकश कपड़ों को देखा और उन्हें हाथों हाथ लिया। दिन खत्म होने तक हर चीज बिक गई थी। ये तो बहुत हुआ। अगर मैं ये जारी रखूं तो मैं दादी अम्मा को सच मुझे एक अच्छी जिंदगी दे सकती हूं। जब तुम वो करोगी जिससे तुम्हें खुशी मिलती है तो तुम अपनी दादी अम्मा के साथ बहुत खुश रहोगी। और ये हकीकत में हुआ। जल्दी ही डोरथी ने बहुत अच्छा खासा कारोबार शुरू कर दिया और जो पैसा वो कमाती थी उससे उसने अपनी टूटी झोपड़ी को एक बहुत ही शानदार घर बना दिया और यहाँ तक कि मुलाजिम भी रखे और उसने एक बहुत ही खूबसूरत दुकान भी खोली उन कपड़ों को बेचने के लिए जो वो सीती थी। ये तो बहुत कमाल हो गया। ओह शहजादी साहिबा, मेरा मतलब है शहजादी माया, ये वो सब चीजें हैं जिनकी मैंने कभी ख्वाहिश की थी। मुझे ये सुनकर खुशी हुई। ठीक है, मैंने अपना वादा निभाया है। क्या आप तुम मेरे भाई की बद्दुआ तोड़ने में मेरी मदद करोगी? हाँ बेशक, पर हम उसे ढूंढेंगे कैसे? मेरा बिलाव एहसास मुझे बता रहा है कि वो पड़ोस की सल्तनत में है और हमें फौरन ही निकलना चाहिए। डोरथी ने सिर हिलाया और अपनी दादी अम्मा के पास दौड़ी गई। दादी अम्मा, मुझे कुछ रोज के लिए शहर जाना होगा क्योंकि मुझे दूसरे मुल्क में सामान देना है। जेसिका आपकी देखभाल करेंगी, तुम करोगी ना जेस? जरूर मिस डोरथी। सलामत रहना लाडो। डोरथी और शहजादी पड़ोस की सल्तनत के लिए निकल पड़े। वहाँ वो इधर उधर घूमते रहे और नौजवान बिलाव शहजादे को ढूंढने की कोशिश करते रहे। वो घूमता रहता है बेवकूफ कहीं का। फिक्र मत करो, हम यकीनन उसे ढूंढ लेंगे। मैं उसे महसूस कर सकती हूँ, वो नजदीक ही है। शहजादी साहिबा रुको। ओह हे, माफ करना शहजादी। शहजादी, मैंने अपने भाई को ढूंढ लिया है डोरथी। क्या तुम उसे देख सकती हो? क्या तुम उसकी इंसानी शक्ल देख सकती हो? बोलो ना, क्या देख सकती हो? ओह मुझे बहुत बहुत अफसोस है माया, मुझे तो बस एक माल्टीज बिल्ला ही दिखाई दे रहा है। ओह मेरे खुदा, पर तुम मुझे मेरी इंसानी शक्ल में देख सकती हो। मेहरबानी करके दोबारा कोशिश करो, अपनी आंखें बंद करो और फिर देखो। हमशिराह रुको, वो बहुत छोटी है मेरे इस तिलस्म को तोड़ने के लिए। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा ये तिलस्म किसी ऐसे इंसान के जरिए तोड़ा जा सकता है जो दयानतदार और रहम दिल लेकर 60 से ज्यादा साल तक जिया हो। ओह डोरथी, अब क्या मतलब है तुम्हारा? शहजादी माया ने डोरथी को इस तिलस्म की बाबत समझाया और कैसे उसने एक अहम हिस्सा छोड़ दिया। मुझे बहुत अफसोस है, मैं कोई मदद न कर सकी। तुमने बहुत कुछ कर दिया डोरथी, मुझे मेरा भाई मिल गया। अब तुम्हें अपनी जिंदगी में लौट जाना चाहिए। तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआ करती हूँ। पर मुझे तुमसे बहुत लगाव हो गया है। मुझे भी डोरथी, पर अब मुझे अपने रास्ते जाना चाहिए और तुम्हें तुम्हारे। जानती हो मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है, मुझे इल्म नहीं था कि हालात इस तरह के होंगे। मैंने सोचा था कि तुम वापस मेरे घर जाओगी। ठीक है, माफ करना। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो तुम्हारे घर चले। तुम्हारे घर आराम करके फिर हम आगे निकल जाएंगे। चलो
मेरे साथ चलो भाई। और इस तरह वो तीनों डोरोथी के घर वापस आ गए। दादी अम्मा, मैं वापस आ गई। ये नौजवान कौन है? क्या क्या कहा? दादी अम्मा मॉल्टीज बिल्ले को इंसानी शक्ल में देख सकती थी और फौरन ही वो तिलिस्म टूट गया। मैं वापस आ गया, मैं वापस आ गया, मैं वापस आ गया। ये इतनी खुशी से चिल्ला क्यों रहा है? ओह, वो बदुआ टूट गई। दादी अम्मा, आपने उसका तिलिस्म तोड़ दिया। मैंने क्या किया? ओह, मैं बहुत खुश हूँ भाई। उन तीनों ने बहुत जश्न मनाया और डोरोथी ने बहुत एहतियात से सब कुछ अपनी दादी अम्मा को समझाया, जो काफी हैरत में पड़ गईं। तो ये बात है, मुझे खुशी है कि मैंने मदद करी। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया। और तुम्हें भी शुक्रिया डोरोथी, हर बात के लिए। कोई बात नहीं। और इस तरह डोरोथी, शहजादी माया और शहजादा जिंदगी भर अच्छे दोस्त बने रहे। शहजादे ने अपना तख्त अपने जालिम चचा जान से वापस हासिल कर लिया और अपनी हमशीरा के साथ उसने अपनी सल्तनत पर हुकूमत की और मिलकर उसने अपनी रियाया को समझाया, बुरी बातों को थामे रहना बेकार है, हर इंसान को हमेशा रहम दिल और खुश मिजाज रहना चाहिए और यही खुशियाँ लाता है। और जहाँ तक डोरोथी का सवाल है, वो सबको ये बताने लगी कि अपने दिल की बात सुनो और वो करो जो उन्हें खुश करे।